तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता दें सूबे की बड़ी और अहम जानकारी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। कैसे लगा है? क्योंकि बीजेपी ने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, जिनको कि आजमगढ़ से बुला लिया गया था, जेपी नड्डा से इनकी देर शाम 25 मिनट से ज्यादा वक्त तक मुलाकात भी चली थी, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। ऐलान हो चुका है बीजेपी का भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम यूपी से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी की पहचान जाट नेता के तौर पर होती है। इस नाते उनकी पश्चिमी यूपी और जाट वोटरों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो वहीं ये भी बताया जाता है कि किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिम यूपी में बीजेपी को अनुमान से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का ही यह असर माना जा रहा है जिसका उन्हें इनाम मिला है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन का असर भी कम देखने को मिला। तो वहीं यूपी की सत्ता में वापसी के बाद भूपेंद्र चौधरी को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो दूसरी बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। कौन है भूपेंद्र चौधरी, समझिए और जानिए। 1991 में बीजेपी में शामिल हुए हैं। 2006 में क्षेत्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी को सौंपी गई। अभी योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी। पश्चिमी यूपी में जाटों का प्रमुख चेहरा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी बताए जाते हैं भूपेंद्र चौधरी। तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री चौधरी भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान मिल गई है। इसके साथ ही उनको बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। घर पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। उनके मुरादाबाद स्थित घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके परिवार वालों को बधाई देने और मिठाई खिलाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भूपेंद्र चौधरी के आवास की तस्वीरें हैं, मुरादाबाद स्थित उनका आवास, जहां पर उनकी पत्नी उनके बेटे काफी ज्यादा खुश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उनको। पापा ने जो मेहनत की, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया माननीय जेपी नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, सबके आशीर्वाद से पापा की मेहनत सफल हुई। उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। फोन आ रहे हैं लोग, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं घर के बारे में। पापा ने जो मेहनत की, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो डिसाइड किया माननीय जेपी नड्डा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे योगी जी ने, तो भूपेंद्र चौधरी के बेटे को सुन रहे थे आप। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो काफी खुश हैं, लोगों की बधाइयां उनको आ रही हैं और परिवार वालों में भी खुशी की लहर, रिश्तेदार भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, संपादक हैं आप उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। सर, भूपेंद्र चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, आगामी 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का ये अपने आप में बड़ा दाव है। बिल्कुल पूजा, 2024 के मद्देनजर ही इनको सौंपी गई है। देखिए, इसके भी हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। ये जो विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, इन विधानसभा चुनाव में यूपी को जो सबसे बड़ी चुनौती मिल रही थी वो जाटलैंड से मिल रही थी, और जाटलैंड यूपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो वहां से बीजेपी को 46 सीटें जरूर मिली है, लेकिन जाटों के वोट नहीं मिले जो कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की को मिल रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने वाला भी था, अलार्म भी था। तो अभी जो ये कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से हो गया कि ओबीसी चेहरे के रूप में उप मुख्यमंत्री है केशव मौर्य, और ब्राह्मण जो 14% है यूपी में, ब्राह्मण हिंदुत्व के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ है, प्लस ठाकुरों का वोट भी उनके पीछे लामबंद हो जाता है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह, अब जो 20 से 25 सीटें लोकसभा की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आती है जी, के जैन गठबंधन। सर, आपका संपर्क बहुत ज्यादा ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपकी आवाज थोड़ी सी बाधित हो रही है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि आपको कॉल लगाया जाए। तो सर जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल का जो कहीं ना कहीं समीकरण है वो बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और लोकसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी ये जो समीकरण है बेहद खास है। और ये समीकरण क्यों खास हो जाता है इस बात को समझिए, क्योंकि
18 लोकसभा की सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र चौधरी की पहचान है और जाटों का वोट, जैसा कि के उपाध्याय जी जुड़े हुए थे हमारे साथ में, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जाटों का वोट 2014 से बीजेपी के हिस्से में नहीं आया। हालांकि पश्चिमांचल में इस बार वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा बीजेपी का, लेकिन अभी भी उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन यही है कि जाटों का वोट उनको नहीं मिल पा रहा है, जो कि हमेशा से ही बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, लेकिन इस बार वैसा नहीं चमत्कार हो पाया। तो इसी के मद्देनजर जाटों को लुभाने के लिए, या यूं कहें कि 2024 के मद्देनजर, दोनों एक ही बात है, भूपेंद्र चौधरी को कमान मिली है। सर, अपनी बात आप पूरी कर लें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 20 से 25 सीटें हैं जो पूरी तरह से जाट बाहुल्य है जी। तो इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी को लाकर के जाट वोट को तो साधने की कोशिश की ही गई है, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरा महत्व दिया गया है। भूपेंद्र चौधरी बहुत ही सौम्य और सुलझे हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है और पंचायत राज्य मंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। तो इस लिहाज से हम जो जातिगत कॉम्बिनेशन है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव गणित से नहीं केमिस्ट्री पे जीते जाते हैं, तो इस समय जो केमिस्ट्री बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस समय सर ये भी कहा जा रहा है भूपेंद्र चौधरी इसलिए भी क्योंकि संगठन के बीच में और आरएसएस दोनों की सहमति रही है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने में, दोनों का योगदान रहा है, सहमति रही है, यही वजह है कि दोनों के बीच में वो एक ब्रिज का काम भी करने वाले हैं। नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी, सत्ता और संगठन के बीच में ब्रिज का काम करने के लिए जरूरत थी और भूपेंद्र चौधरी ऐसे नेता हैं जो सत्ता के साथ भी और संगठन के साथ भी पूरे तालमेल के साथ चलते हैं और मध्यमार्गी हैं, रास्ते निकालेंगे वो बिल्कुल। वो इस तरह से नहीं होगा कि वो टकराव की स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी, इसीलिए अध्यक्ष पद का मामला टल रहा था काफी दिनों से और बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दूरदर्शी तरीके से निर्णय लिया है और 2024 के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयार किया है कॉकटेल जातियों का, ये अद्भुत है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। के उपाध्याय, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक, हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि वाकई बीजेपी ने बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ में भूपेंद्र चौधरी को आगामी जिम्मेदारी देने की जो पहल करी है वो अपने आप में अनुकरणीय है, क्योंकि आगामी चुनावों के मद्देनजर भूपेंद्र चौधरी मध्यमार्गी कहा जाता है इनको, यानी कि रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, टकराव की स्थितियां कम देखने को मिलेंगी और संतुलन, जिसकी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को अमूमन देखने को मिलती रहती है, वो संतुलन भी स्थापित भूपेंद्र चौधरी कर पाएंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि संगठन और सत्ता दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं भूपेंद्र चौधरी, पंचायती राज मंत्री की भूमिका मौजूदा वक्त में निभा रहे हैं, 1991 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से लगातार, और ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के दौरान भूपेंद्र चौधरी की बेहद अहम भूमिका रही है पश्चिमांचल में वोटों को हासिल करने में, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और सपा के बीच में गठबंधन रहा, माना जा रहा था कि पश्चिम यूपी में बीजेपी को सीटें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन जिस तरीके का अनुमान था उस अनुमान को धराशायी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन बहुत बेहतर किया और इस प्रदर्शन के पीछे अगर चेहरा कोई माना जा रहा था तो वो चेहरा थे भूपेंद्र चौधरी, और इसी का इनाम भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को दिया है। घर में खुशी की लहर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी बेटे सभी खुश हैं। एक बार फिर से आपको सुनाएंगे कि भूपेंद्र चौधरी के बेटे क्या कुछ कह रहे हैं।